जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बेहतरीन बुकों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो कि आपकी तैयारी को शानदार बना सकती हैं। दोस्तों, इस समय जो आप बुकें देख रहे हैं इसके अंदर ये जो बुक हैं ये हैं 27 ईयर UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुक है। साथ में इसके लिए ये जो बुक हैं ये प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इसके अंदर आपको करीब 10,000 से ज़्यादा MCQ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दे रखा है और इसको एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे मैंने आपको इंटीग्रेटेड आपको एक वीडियो बना के दिया था। ये बुक मुझे दिशा पब्लिकेशन के द्वारा मिली है और ये बुक तो आप सभी को पता है कि इसके तो आप सभी लोग जानते होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों बुकों की खासियत बताऊँगा, ये बुकें आपकी प्रिपरेशन को कैसे शानदार बना सकती है उसके बारे में जानकारी दूंगा और इन दोनों बुकों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूंगा। आप में से जितने भी UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको मैं अनअकैडमी की कॉम्बैट फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके टेस्ट के लिए आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको हर संडे को सुबह 11 बजे देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जगह पर अगर आप किसी और कोचिंग में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको पेड ये टेस्ट मिलते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, तो उसको अटेंड जरूर करना। इसको अटेंड करने के लिए आपको एक कोड पूछा जाएगा, कोड के तौर पे आप कोड डालेंगे aspirant10। अगर आप aspirant10 कोड नहीं डालेंगे तो आपके टेस्ट एक्टिव नहीं होंगे। कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको डाल के आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर विनर बनते हैं तो आपको बहुत कुछ वाउचर देखने को मिल जाएंगे। ये सब आपके लिए तब है जब आप इसके अंदर विनर बनते हैं। अगर आप विनर नहीं बनते हैं तो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट तो देखने को मिल ही रहे हैं। दोस्तों, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ्री में इतना सब कुछ अगर मिल रहा है तो उसको गवाइएगा मत, और मौका बार बार नहीं मिलता है। नीचे लिंक के जाके अटेंड जरूर करना। चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, ये दोनों बुकें है किस काम की और क्या क्या खासियत है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहली बात, ये वीडियो 0% स्पॉन्सरशिप है। इसके अंदर कुछ भी मैंने किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं ले रखी है, ये मैं आपको अपने विवेक से इस वीडियो को बना के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों बुकें रियली में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी थी। जो पहली बुक है, ये जो आप बुक जो देख रहे हैं ये 27 ईयर ओल्ड प्रीवियस ईयर MCQ की बुक है। ये जो बुक आती है ये मुर्दान सर के द्वारा लिखी गई है, इंग्लिश मीडियम की बुक है। इसके अंदर आप दो बुकें ले सकते हैं, मतलब कि एक तो दिशा पब्लिकेशन की आती है, एक न्यू विशाल की भी आती है, न्यू विशाल पब्लिकेशन की। दोनों बुकें एवरेज रूप से देखें तो दोनों लगभग सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बट इस बुक में एक खासियत ये रहती है कि इस बुक को जब अपन ओपन करेंगे, आप अगर देखेंगे इसको शुरुआत में, तो इसके अंदर अपन को स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी। शुरुआत में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको इसके UPSC के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगी, कंप्लीट प्लान देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मंथली स्ट्रेटजी आपको जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ देखने को मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये बुक थोड़ी सी और पब्लिकेशन से बेहतर हो जाती है, बाकी बुक लगभग सेम ही है। इसके बारे में मैंने आपको एक बार और वीडियो बना के दिया था। और दूसरा कारण ये भी है कि इस वीडियो को बनाने के पीछे कि इसका जो न्यू एडिशन है वो आ चुका था, और ये जो नया एडिशन था इसके कारण मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये 12वां एडिशन है, मुझे जहाँ तक पता हिंदी मीडियम का अभी तक न्यू एडिशन आया नहीं है, जल्द आ जाएगा और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब रही बात कि इसके अंदर आंसर और क्वेश्चंस किस हिसाब से दे रखे, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में इन्होंने सभी के क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको मैं अगर दिखाऊं तो शुरुआत में इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बाद में इन्होंने लास्ट में आंसर दे रखे हैं। अगर ये अपन अगर सभी क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये शुरुआत में आपको सब क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, एंड अगर हम आगे अगर पीछे जाएंगे तो इसके आंसर हमको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने ये भी बता रखा है कि इसका जो आंसर है वो उन्होंने ये क्वेश्चन है वो कहाँ से इन्होंने दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर जो इसका जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो उन्होंने किस सोर्स को फॉलो करके दिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बुक बाकी सभी पब्लिकेशन से बेहतर बन जाती हैं, तो इसके कारण इस बुक को मैं ज़्यादा रेफर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप जो न्यू विशाल की बुक आती है उसको भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। और दृष्टि की भी एक बुक आती है प्रीवियस ईयर के लिए, बट उसमें एक ये प्रॉब्लम है कि इसमें 27 ईयर ओल्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बट उसमें इतने पुराने क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, करीब 6 या 7 साल के पुराने क्वेश्चंस है उसमें, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, पर उसमें कम क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बकायदा क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बुक की थोड़ी सी खासियत अच्छी है। तो एक बुक तो हमने ये देख ली, इसके बाद में मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है 10,000+ MCQ की बुक है। ये बुक मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए मिली थी ये बुक, और मैंने इस बुक को खुद पढ़ा तो उसके बाद में मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेटली बनाना चाहिए। वो जो वीडियो था वो तो मैंने कर दिया था, लेकिन ये वीडियो 0% स्पॉन्सरशिप के साथ में है। ये बुक वाकई में अच्छी बुक है, इसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा MCQ आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। ये इसका 4th एडिशन है, इससे पहले वो 3rd एडिशन था, वो पिछले साल आया था इसका, और उस समय मैंने इस बुक को देखा था, मतलब उस समय से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, उसके कारण बता रहा हूँ। इस बुक को आपको क्यों पढ़ना वो मैं आपको बताऊं, तो आप ज़्यादातर जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए तो उसके आप MCQ लगा सकते हैं इससे, क्योंकि आपको एक टॉपिक वाइज MCQ कहीं पे मिलते नहीं है देखने को, तो इस बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज MCQ देखने को मिल जाएंगे। और साथ में आपको पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, आप जितने भी PCS के एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, UPSC के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बुक थोड़ी सी अच्छी बन जाती है उन सारी बुकों से।
इसके सेकंड ऑप्शंस के लिए मैं आपको एक बुक दिखा सकता हूँ, वो है घटना चक्र पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको मैं आपको रेफर करने का बोल सकता हूँ। वो बुक भी अच्छी आती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री के लिए आपको अलग लेनी पड़ेगी, ज्योग्राफी के लिए अलग लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें है कि इसमें सभी सब्जेक्ट आपको एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाऊं शुरुआत में, तो आप देख पा रहे होंगे जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि शुरुआत में इन्होंने हिस्ट्री दे रखा है, उसके बाद में इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में दे रखा है, इंडियन पॉलिटी के बारे में जानकारी दे रखी है, इकोनॉमी के बारे में जानकारी दे रखी है। तो मतलब आपको लगभग सभी की क्वेश्चंस आपको एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम घटना चक्र को लेते हैं तो उसमें हमारा नुकसान ये हो जाता है कि उसमें एक बुक में सारा सब कुछ होता नहीं है, सबके लिए हमको सेपरेट बुकें खरीदनी पड़ती है और वो कहीं ना कहीं महंगी पड़ती हैं। तो इसके कारण ओवरऑल देखें तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। दोनों हिंदी माध्यम में अवेलेबल हैं। इसका अभी तक फोर्थ एडिशन जो लेटेस्ट आ चुका है, लेकिन हिंदी माध्यम का अभी तक लेटेस्ट एडिशन आया नहीं है, उसका अभी तक थर्ड एडिशन ही आ रखा है, वो भी अपडेट हो जाएगी, तो शायद आई थिंक वो भी अपन को देखने को मिल जाएगी। बट दोनों बुकें ओवरऑल रूप से देखें तो न्यू एस्पिरेंट के लिए हेल्प कर सकती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसका मैंने कोई स्पॉन्सरशिप के तौर पे मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसका मैंने दोनों ऑप्शंस बताए। अगर आप दोनों में से किसी और को लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं, और आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं, मुझे कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको इसको खरीदना है तो मैं आपको नीचे नंबर या फिर अमेजोन की लिंक दे दूंगा, दोनों में से जो ऑप्शंस आपको बेहतर लगे वहाँ से आप खरीदिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन बुकों की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बुकों के रिगार्डिंग जानकारी देता रहता हूँ। और ऐसे ही वीडियो के साथ में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।